अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान। आप देख रहे हैं वीडियो वाला ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने घर में पत्थर वगैरह लगवा रहे हैं, मार्बल। टाइल तो नहीं है ये, मार्बल है, पत्थर है, जो मार्बल वाला पत्थर है। मेरे पीछे देखें, एक कमरे में तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है, यानी कि फिटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। जो पत्थर लगा दिया है ये देखें, फिलिंग वगैरह कर दी है लगा कर पत्थर। और बाकी का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉर्ट में, ये किस तरीके से लगाते हैं और इसमें कितना खर्चा आता है मैं वो भी आपको बताता हूँ। ये तकरीबन एक ये कमरा है, मैं बैक कैमरा से आपको दिखा। मार्बल लगा रहे हैं तो मिस्त्री लगे हुए हैं, देखें काम चल रहा है। तो माशाल्लाह से मिस्त्री कल से लगे हुए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने सोचा चलें आप लोगों से भी शेयर कर दूं। अच्छे मिस्त्री भी किस्मत से ही मिलते हैं, तो इनसे हम पूछते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या इनकी जो क्या लेते हैं, कितना खर्चा आता है। अगर आपने कम एक कमरे के साथ आपको बताते हैं। तो ये भाई हैं, ये दोनों भाई मिस्त्री हैं, तो हम किसी एक भाई से पूछ लेते हैं। एक ये कमरा है, ये तकरीबन ना इतना बड़ा है ना इतना छोटा है, मीडियम साइज़ का कमरा है। और यहाँ इसमें देखें, ये जो कुछ सेंटर में डिज़ाइन है ये वाला, इसके 1100 रुपए अलहदा से लिए हैं। बाकी का एक ये कमरा है, एक ये हॉल है और ये देखें गेट तक, और दूसरा ये वाला कमरा है। ये तकरीबन 15 बाई 12 फुट का जो है रूम है। ये तीन यानी कि एक हाल दो रूम हैं। ये तीनों की पैमाइश जो है 500 फुट तकरीबन पत्थर बनता है, 500 फुट। तो 500 फुट पत्थर जो है तकरीबन 35,000 के करीब पत्थर आया है। उसमें ये दो डिज़ाइन हैं, यहाँ पर हाल में सेंटर में लगेंगे, एक यहाँ और एक वहाँ सेंटर में, दो डिज़ाइन यानी कि कोई फूल वगैरह जिसमें होते हैं वो तकरीबन 4,000 के अलहदा मिले हैं। बाकी ये पट्टियाँ छोटियाँ ये जो लेंथें हैं और ये यहाँ पे बॉर्डर वगैरह आउटलाइन लगेगी जो यहाँ पे साइड में, वो उसका वो हर एक चीज़ यानी कि कोई 2,000 की, कोई 1,500 की, यानी कि 40 से 42,000 तक का जो है ये पत्थर आया है। और इसकी कटिंग है जो वो तकरीबन वो एक्स्ट्रा थी, वो एक्स्ट्रा पे की, वो अबू ने पे की, पता नहीं कितनी है। और ये पत्थर है कुछ इस तरह का है, अभी तो ये अजीब सा लग रहा है लेकिन लगने के बाद इस पर रगड़ाई वगैरह होगी तो ये काफ़ी इस पर फिनिशिंग शाइनिंग आ जाएगी। ये तवीरा है, ये तकरीबन 60 से अबव है लेकिन डिस्काउंट करके 58 रुपये फुट के हिसाब से हमें मिला है मार्केट से। तवीरा है, ये अच्छा है डिज़ाइन, और जो वो बादल वगैरह है उससे ये अच्छा है और महंगा भी है। जो रेगुलर आम लोगों ने जो कहीं ज़्यादातर देखने में आपको मिलता है ब्लैक एंड वाइट सा कलर होता है, वो बादल होता है, उससे ये थोड़ा अच्छा है और महंगा भी है। मिस्त्री साहब से हम इंटरव्यू करते हैं, मिस्त्री साहब हमें बताते हैं कि क्या वो उनका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है। काम माशाल्लाह से अच्छा कर रहे हैं वो।
अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री साहब। की नाम तुहाडा फिर? मोहम्मद अहमद जी। अच्छा, तुसी ठेकेदार हो मार्बल और टाइल पत्थर दे? हां जी। ते सर किन्ना एक कमरे ते जड़ा है किन्ना टाइम लग जांदा मार्बल लावण च? मार्बल लावण च एक कमरे एक दिन लग जांदा है। तकरीबन जड़ा कौन है ए कमरा किने फिटदा है? ए तकरीबन लगा है कोई 15x12 का। ते इच किने को फुट लगेगा पत्थर? इने लग जाना तकरीबन कोई 2 फुट। 200 फिट? हां 200 फुट लग जाना। सर 200 यानी कि 15 फुट के कमरे च 200 फुट पत्थर लग जाए? तो यह पत्थर केड़ा है? इनका की नाम है तुम्हें पता है? केड़ा बूटी सीना। बूटी सीना तवीरा? तवीरा सुनने हैं, बूटी सीधा है, बूटी सीना सुनने हैं। सही। अच्छा, इनका की रेट है कितने रुपए फुट मिलता है? ये 80 रुपए फुट है। 80 रुपए फुट है। तो डिस्काउंट वगैरह करके हम कितने को टिकट मिले है? मिल जाएगा 70-75 रुपए। सही, 70। अच्छा, तो तुहाडा तुहाडा ठेका किस हिसाब नाल होंदा है? साडा ठेका होंदा है 25 रुपए फुट। सिर्फ तुसी मार्बल दा फिटिंग ही करनी है इनकी? बस मार्बल दी फिटिंग करनी। ते बाकी इनकी कटाई वगैरह है वो मालकां दी होंदी? वो मालकां दी। सही। तो तुसी 25 रुपए फुट लेना है फिटिंग दी, ते रगड़ाई भी विच ही है? अच्छा, रगड़ाई लै लै। ते रगड़ाई दा की खर्चा होंदा तकरीबन? एक एक कमरे दा आप हिसाब ला रहे हैं, रगड़ाई दा की खर्चा? 30 रुपए फुट। अच्छा, यानी कि फिटिंग नालों ज्यादा जेड़ा रगड़ाई दा हो जाएगा? दूसरा जो ब्लैक एंड वाइट बादल कहते हैं, मेरे ख्याल बादल ज्यादा देखा जाता क्यों? वो सस्ता होंगे? सही। मिस्त्री साहब तुहाडा फोन नंबर बल्कि मैं स्क्रीन पर ला दाँगा तुहाडा नंबर, बड़ी मेहरबानी तुहाडी है। चलो ठीक है, अल्लाह।